हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कस्टमाइज गिफ्टिंग आइटम का आइडिया। तो बेसिकली मेरी मम्मी का बर्थडे वीक चल रहा है और मुझे लग रहा था मैं उनको क्या गिफ्ट करूँ, तो इसी की वजह से मैंने सोचा कि कुछ कस्टमाइज करके उनको दूँ ताकि एक अच्छा सा उनको भी कुछ स्पेशल फील हो। जनरली हम बाजार से कुछ खरीदते हैं और डायरेक्टली दे देते हैं, तो इस बार थोड़ा डिफरेंट मैंने सोचा। और फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे ये आइडिया है कि मैं इस तरह का कुछ क्रिएट कर सकती हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ब्यूटी बॉक्स जैसा मैंने क्रिएट किया है, किस तरह से मैंने ईच कंपोनेंट हर जगह से उठाया है, क्या बजट मुझे लगा है, कहाँ किस साइट से मैंने इनको बाई किया है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो जल्दी से आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली जितनी वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैंने सोचा एक कस्टमाइज मैं बॉक्स क्रिएट करूं। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए मुझे चाहे तो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स चाहिए था या फिर एक डलिया जैसा होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स आप पैक करके देते हो, कुछ उस तरह का चाहिए होता है। तो मैं पहले मार्केट में गई, लोकल मार्केट में, और मैंने वो जो बैम्बू स्टिक वाले रहते हैं और जो कार्डबोर्ड वाले रहते हैं वो सारे वराइटी ऑफ जो पैकेजिंग होते हैं ना बॉक्सेस, वो देखा तो मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस तरह के आइटम्स मैं गिफ्ट कर रही थी उसके साथ वो बिल्कुल भी जा नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप ही एक कार्डबोर्ड की हेल्प से एक बॉक्स क्रिएट करके दे दूंगी। बट फिर अचानक मैं एक दिन कोलकाता में घूम रही थी ऐसे ही, एंड एल्गिन रोड में मुझे अचानक एक गिफ्ट शॉप जैसा दिखा जहाँ बहुत सारे डब्बे दिखे, तो मैं उसके अंदर चली गई एंड फाइनली मुझे कुछ इस तरह का बॉक्स मिला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बॉक्स मुझे दिखा। सो वो एक्चुअली पूरी शॉप थी जिसमें आप कस्टमाइज बॉक्सेस बनवा सकते हैं, बहुत वैरायटी के थे। तो मेरे गिफ्ट आइटम्स थोड़े से बड़े थे तो इसी की वजह से मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है गिफ्ट का बॉक्स। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिखता है और इसके साथ मैंने एक रिबन भी लगवाया है। तो हर एक कंपोनेंट जो आप ऐड करोगे उसका कॉस्टिंग उसके साथ ऐड हो जाता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। 500 रुपीज़ का ये बॉक्स है और साथ में ये रिबन लगाने की वजह से 50 रुपीज़ और ऐड हो जाता है। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, काफ़ी ज़्यादा प्रिंट्स आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको कुछ इस तरह का गिफ्ट करना है तो आप इन तरह के गिफ्ट बॉक्सेस के दुकान में जाके आप कस्टमाइज बॉक्सेस ले सकते हैं। तो चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली और किस साइट से ये चीज़ें मैंने लिया था। तो अब मैं और आप दोनों मिलके ये गिफ्ट को बनाते हैं। तो एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये आराम से फोल्ड भी हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आराम से फोल्ड हो जाता है और हम आराम से एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने ये बॉक्स कोलकाता में लिया था और आज मैं झारखंड में हूँ तो मैं आसानी से यहाँ पे इसे कैरी करने पाई हूँ और मैं आपके सामने ये बॉक्स बनाऊंगी पहले। तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आसानी से बन जाता है और इसी की वजह से जो प्राइस मुझे लगा, क्योंकि बेसिकली अगर आप लेके आओगे कहीं से भी बॉक्सेस तो वो टूटने के चांसेस हो सकते हैं उसके अंदर डैमेज का, तो इस तरह के बॉक्सेस में वो चीज़ें नहीं होती है। तो जैसे कि देख सकते हैं आसानी से ये बॉक्स हमारा रेडी हो गया और कुछ भी डैमेज नहीं है इसके अंदर, एंड देन इसके बाद इसके ऊपर ये आसानी से चला जाएगा। तो एक एक करके मैं आपके साथ इस बॉक्स में डालूंगी क्या क्या सामान मैं इस कस्टमाइज ब्यूटी बॉक्स में डालने जा रही हूँ अपनी मम्मी के लिए। तो सबसे पहले मैं इस तरह का एक बबल शीट आता है, ये मुझे जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए थे उसके साथ मिला था तो मैंने इसे रीयूज़ किया और इस तरह से मैं कुछ डाल दे रही हूँ ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो थोड़े अच्छे से रहें, तो हल्का सा कुशनिंग इसके अंदर मिल जाता है इसकी वजह से। तो जैसे कि देख सकते हैं ये है हमारा, इस तरह से ये दिखेगा। सो जो पहला प्रोडक्ट मैं इस बॉक्स के अंदर डालने जा रही हूँ वो ये है। बेसिकली ये है खादी नेचुरल हैंडमेड सोप कलेक्शन, दिस इज़ मेड इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलेक्शन ये था और इसका प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छा है, 249 रुपीज़ में ये हमें मिलता है। और जैसे कि अंदर खोल के मैं आपको दिखाती हूँ तो इसके अंदर अराउंड आई थिंक
शायद 8 या 6 सोप्स हैं, सो चार चार करके जैसे कि आप देख सकते हैं 12 हो गया है। तो इसके अंदर 12 सोप्स आपको मिल जाते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह के हैं। और इसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट मुझे ये लगा, स्मेल इतना ज़्यादा अच्छा है तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा किसी को भी। तो ये है हमारा पहला प्रोडक्ट जो हम इसके अंदर डाल देंगे अभी। तो इसके बाद मैंने सोचा कुछ परफ्यूम्स मैं डालूं, तो इसकी वजह से मैंने फुल साइज़ की जगह पे यहाँ पे नायका का ये परफ्यूम्स आते हैं मुआ करके, उसका मैंने ये जो चारों मिलते हैं ना आई थिंक सेंस, वो चारों मैंने इस पे डाला है। तो इंडिविजुअल प्राइस इसकी 249 रुपीज़ है, बट कुछ डिस्काउंट करके मुझे थोड़ा सा कम में मिला है। मैं प्राइस डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ। इसके बाद नायका के दो बॉडी स्किन प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं, एक है बॉडी लोशन दैट इज वंडर लस्ट का कंट्री रोज, एंड दूसरा वही वंडर लस्ट का कंट्री रोज मिस्ट है। तो ये दोनों ही मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ। प्राइसिंग सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके बाद मैंने एक कोम लिया है, ये है ब्राउनसन करके है उसका है, एंड इसका MRP इज 100 रुपीज़। इसका भी थोड़ा डिस्काउंट करके मुझे कुछ मिला है, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ में मैंने पैक का एक ब्रश लिया है, इसे मैं खोल नहीं रही हूँ। दिस इज बेसिकली पाउडर ब्रश और 535 रुपीज़ का है। इसके बाद इसमें लिपस्टिक्स जाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने नायका का एक लिपस्टिक लिया है। इसका क्रीमी सो क्रीमी मैट लिपस्टिक है, ऑन फायर शेड का नाम है, और ये अराउंड प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। देन इसके बाद मैंने ये नायका का पेंट स्टिक है, ये मैंने काफ़ी बार यूज़ किया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसी की वजह से मैं इसे भी ऐड कर रही हूँ। इसका शेड मैं डाल दूंगी, मुझे अभी याद नहीं है इसका। एंड देन इसके साथ बस एक लिप पेंसिल है, ये स्विस ब्यूटी का मैंने एक पूरा पेंसिल का सेट लिया था, उसका एक पार्ट था तो उसमें से एक निकाल के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। उसका फुल रिव्यू मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैं नेल पेंट्स डाल रही हूँ, और मेरी मम्मी को रेड कलर ज़्यादा पसंद है, इसी की वजह से आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें रेड कलर की हैं। तो ये के बाय ब्यूटी का, आई थिंक के ब्यूटी का ये तीन लिपस्टिक के एक साथ कॉम्बो मिलते हैं, तो वो मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने फेसेस कैनेडा का एक कॉम्पैक्ट लिया है, और इसे भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये 429 रुपीज़ का है, एंड इसमें मैंने लिया हुआ है, इसका शेड नेचुरल 02 है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ एक बॉडी वॉश, ये मैं काफ़ी टाइम से बॉडी शॉप का यूज़ कर रही हूँ। 345 रुपीज़ का ये रहता है, 250 ml, बहुत ज़्यादा दिन चलता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसकी वजह से मैंने इसे ऐड किया है। इसके बाद मैंने सोचा इस बॉक्स में एक डे क्रीम ऐड करूं, तो इसकी वजह से लॉरियल पैरिस का ये रिवाइटल लिफ्ट क्रीम ऐड किया इसके अंदर। मैंने इसे काफ़ी बार यूज़ किया है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने अराउंड 2 बॉटल ऑलमोस्ट इसे ख़त्म कर दिए। ये 15 ml का मैं ऐड कर रही हूँ, जिसका प्राइस 499 है, और मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी एक बार ट्राई करे, और अगर उनको पसंद आएगा तो मैं इसका बड़ा साइज़ फिर उन्हें गिफ्ट करूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैं एक साड़ी पिन ऐड कर रही हूँ, ये मैंने आई थिंक नायका से लिया है, वेगा का है, 50 रुपीज़ का बता रहा है, और काफ़ी अच्छा मुझे लगा क्वालिटी वाइज, तो इसकी वजह से ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर एप्रूमाइज करके एक स्टोन आता है, जो बेसिकली आपके बॉडी मतलब के फीट को रब करने का यूज़ आता है, मैं उसे भी इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। इसके बाद मैंने अमेजोन से ये क्रंचीज लिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये मुझे मिले हैं, कुछ वेलवेट और अलग अलग टेक्सचर के क्लॉथ के साथ है, तो इसे भी मैंने सोचा इस बॉक्स के अंदर ऐड करती हूँ।
इसके बाद इसके अंदर मैंने मैक से एक वॉलेट लिया है, इसका प्राइस मुझे याद नहीं है बट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये भी मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा ये भी मैं ऐड कर सकती हूँ। कुछ इस तरह का ये बैग है, वॉलेट है, तो इसे भी हम ऐड करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा ट्रैवल पाउच जैसा मुझे मिला, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने सोचा इसे भी मैं एक बार ऐड कर देती हूँ। तो इसके अंदर मैंने दो पाउचेस ऐड किया है, एक ये मैंने लिया है, इसके साथ मैंने मैक से ही इसे भी लिया है। तो ये काफ़ी बड़ा है ताकि ये जितना भी सामान है आसानी से इसके अंदर आ जाए। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइस के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है। इसका प्राइस 199 है, ये अराउंड 300 समथिंग का मुझे पड़ रहा है। तो ये भी हम इसे यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा बॉक्स रेडी है और इसके बाद इन ऑर्डर टू जस्ट फिनिश इट ऑफ मैंने इसके अंदर एक कुर्ती ऐड की है। ये सॉरी नॉट अ कुर्ती, दिस इज़ बेसिकली अ मैक्सी ड्रेस, एक फुल लेंथ का ड्रेस है। तो ये मुझे बहुत मन कर रहा था मैं मम्मी को कुछ ऐसा गिफ्ट करूँ, तो मैं इसे कर रही हूँ। तो मैं इमेज लगा दूँगी किस तरह से ये दिखा, और अगर मम्मी पहन लेती है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँ तो मैं वो भी पिक्चर ज़रूर डाल दूँगी। तो जैसे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, इसके साथ एक मैचिंग मास्क भी मिला है। तो ये भी अब मैं इस बॉक्स के अंदर डाल रही हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारा पूरा बॉक्स ऑलमोस्ट पूरी कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये दिख रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं इस तरह से ये बॉक्स दिखेगा। हम इसे कवर करेंगे तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। ये थोड़ा सा कपड़ा डालने की वजह से अच्छे से बंद नहीं होता है, तो आप चाहें तो इस तरह से इसे दिखा सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अगर आप थोड़ा सा इसे साइड में या ऊपर में भी रख के गिफ्ट कर सकते हैं। और अब भी जैसे मैं खोल रही हूँ कुछ इस तरह से हमारा ये बॉक्स दिखने वाला है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सारे आइटम्स इसके अंदर आ चुके हैं। काफ़ी जिस साइज में आप गिफ्टिंग करना चाहते हो उस साइज का आप बॉक्स लेके आसानी से इस तरह का कोई कस्टमाइज बॉक्स क्रिएट करके अपने घर में किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो अब इसे क्लोज करूँगी और मैं मम्मी को इसे गिफ्ट करूँगी। तो मैं इस वीडियो में जब आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं उन्हें आज रात में ये गिफ्ट करने वाली हूँ। तो मैं ज़रूर उनका रिएक्शन और साथ में किस तरह से उनको लगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा बर्थडे का जो सेलिब्रेशन के क्लिप्स है मैं उसे भी कोशिश करूँगी इसके अंदर डाल दूँ। तो आई होप आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और आप सबको पसंद आया होगा किस तरह से मैंने ये बॉक्स क्रिएट किया है। बजट की बात जहाँ तक आती है, बजट हमेशा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गिफ्ट देना चाहते हैं। आप चाहे तो एक छोटा सा इसी तरह से बॉक्स बना के भी गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आपके हिसाब से या आपकी मम्मी बहन या कोई भी लड़कियां जो घर पे हैं आपकी और उन्हीं वुमेन को आप गिफ्ट करना चाहते हैं उनके पसंद के हिसाब से आप इस तरह का कोई कस्टमाइज बॉक्स क्रिएट करके दे सकते हैं। सो यही था इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आई होप आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आप सबको। तो चलो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।